बात करते हैं झारखंड चुनाव की। झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य की 15 जिले की जनता 43 सीटों पर मतदान कर रही है और 683 पुरुष और 610 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 43 सीटों के मतदान के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोगों को वोटिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से उनके लिए व्यवस्था की गई है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में राज्य की जनता चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, सरयू राय, मन्ना गुप्ता, अजय कुमार समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है। तो झारखंड का रण जी हां, और जिस तरह से मतदान की शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से अगर देखा जाए तो मतदान की पूरी तैयारी है। आपको हमारे संवाददाता भी नजर आ रहे होंगे पोलिंग बूथ से। पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 43 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। वोटिंग के लिए 15,344 मतदान केंद्र। सुबह से ही मतदान केंद्र पर भीड़ लगी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता रांची से। अभिजीत, तस्वीरें दिखाइए, पहली तस्वीरें आज के मतदान की, और क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं रांची में मौजूद हूं, झारखंड की राजधानी, और आपको दिखाऊं तस्वीरें। सबसे पहले तो सुबह से यहां पर कतार जो है वो लंबी लगी हुई है, और सिर्फ पुरुष मतदाताओं की बात नहीं, महिला वोटर्स भी बड़ी संख्या में यहां पर आई हैं। और ये कतार हम आपको सिर्फ ये दो लाइनें अगर आप देखें, इस तरह से आधा दर्जन लाइनें यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लगी हुई है। हालांकि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई है। जो प्रमोशन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रयास किए गए थे मतदाता प्रतिशत बढ़ाने की, उसमें ये एक पॉजिटिव साइन इसे कहा जा सकता है। की तरफ हम आएंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रयास किए गए थे। महेंद्र सिंह धोनी जो स्टार क्रिकेटर है, झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, उनके जगह जगह होर्डिंग बैनर्स लगाए गए थे। उसके अलावा भी और स्टार प्रचारक सिर्फ वोटिंग परसेंटेज और मतदाताओं को बूथ पर खींचने के लिए लाए गए थे, और वो प्रयास बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही मतदान यहां पर शुरू हुआ है। और उससे पहले आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक नहीं बल्कि यहां पर कुल 6 इस तरीके के बूथ बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर और वोटिंग कर सकते हैं। हर जगह आपको कुछ संख्या में लोग दिखाई देंगे। वहां की तस्वीरें भी अगर आप दिखाएं तो आप देखेंगे कि यहां पर भीड़ जरूर है। बिल्कुल, काफी अच्छी तैयारी नजर आ रही है जिस बूथ पर आप मौजूद हैं। हम आगे लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए।